हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीकली मार्केट मैट्रिक्स बाय ट्रेड्यूरा। और हमेशा की तरह हम लोग देखने वाले हैं आने वाले वीक मीन्स 9th अगस्त से 13th अगस्त में मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें किस तरह के मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स क्या है। साथ ही साथ हम देखने वाले स्टॉक पिक्स ऑफ द वीक, ऐसे स्टॉक जो हमें आने वाले वीक में हाई प्रोबेबिलिटी मूवमेंट एंड ट्रेड्स दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स ने किस तरह की क्लोजिंग दी फ्राइडे के दिन, और हम फिर आगे बढ़ेंगे चार्ट्स में हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड प्लान्स के बारे में। तो देखिए, यूएस मार्केट्स की अगर बात करें तो यूएस मार्केट्स ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी अराउंड 60 पॉइंट नीचे, और देखिए 15,000 के ऊपर काम कर रहा था नैसडैक, लेकिन फिर करेंटली 14,800 के आसपास क्लोजिंग दी। मीन्स मार्केट ने ऊपर कुछ प्रॉफिट बुकिंग के साथ क्लोजिंग दी। ओके, एफटीएससी सीएससी डैक्स अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं फ्लैट क्लोजिंग दिए विद सम स्ट्रेंथ, वी कैन से ग्रीन क्लोजिंग दिए विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट, कोई सिग्निफिकेंट ज़्यादा ऊपर क्लोजिंग नहीं दिए। हम बात करें अगर एशियन मार्केट्स की तो एसजीएक्स निफ्टी 17 पॉइंट डाउन, निकी 91 पॉइंट स्ट्रेट टाइम्स ऑलमोस्ट फ्लैट। तो कुल मिलाकर एक टिपिकल वीकेंड जो वीकेंड में आपका होता है, आई मीन फ्राइडे के दिन जो प्रॉफिट बुकिंग आती है, उस तरह का हमें कुछ सिनेरियो दिखाई दिया। कुछ खास इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें नहीं पता चलती। वैसे तो कुछ इवेंट्स भी थे फ्राइडे के दिन, जो जनरली यूएस के डेटा आते हैं पेरोल से रिलेटेड, आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो वो सारे डेटा आए थे, लेकिन कुछ मेजर नहीं दिखा। इनफैक्ट डेटा ठीक ही दिखे, कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं आया। तो अभी चलिए हम लोग चलते हमारे एनालिसिस के बेसिस पर, हम लोग चार्ट में देखेंगे कि हमारे आने वाले वीक का प्लान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले चलते निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। तो निफ्टी में अगर हम बात करें कि निफ्टी में अभी क्या हो रहा है, तो सबसे पहले देख लेते हैं डेली चार्ट में निफ्टी में क्या चल रहा है। तो अगर आप निफ्टी को यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, निफ्टी में क्या हुआ है। देखिए, निफ्टी एक बहुत ही अच्छा ऊपर मूवमेंट दिखाई दिया, 16,000 का लेवल भी ब्रेक किया, ऑलमोस्ट 16,330-340 लेवल्स के आसपास मार्केट ने काम किया। यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बना, और कब, थर्सडे के दिन, और फ्राइडे के दिन देखिए एक इनडिसीजन कैंडल के बाद सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला। तो देखिए, इनडिसीजन कैंडल के बाद अगर यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि सेलर्स आर इन एक्शन। ओके, तो आगे क्या प्लान हो सकता है वो हम देखेंगे। सेम चीज़ हम बैंक निफ्टी में डेली चार्ट देख लेते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूवमेंट आया, अराउंड 36,000 के आसपास काम किया मार्केट ने, और थर्सडे एंड फ्राइडे में हमें कुछ सेलिंग में एक्शन दिखाई दिया। देखिए, दोनों कैंडल आप देखेंगे तो एक सेलिंग प्रेशर के साथ क्लोजिंग दिए। तो चलिए अभी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है और किस तरह का प्लान आने वाले वीक में हमारा होना चाहिए। तो निफ्टी का आपका प्लान और इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन है आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, मैं यहाँ पर आपके लिए लेवल्स मार्क कर देता हूँ। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट जोन है, जो हमारा जोन जहां हम प्राइस को वॉच करते हैं, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बेसिस पर हम ऊपर या नीचे ट्रेड लेते, तो जो जोन हो जाती है आपके 16,230 से लेकर 16,300 का जोन है। 16,300 के ऊपर वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो, 16,435 लेवल एंड 16,500 लेवल्स। ओके, ऑन द डाउन साइड वी आर लुकिंग फॉर लाइक बिलो 16,230, हम लोग 16,145 एंड 16,030 के लेवल्स को टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हर लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जब भी एक लेवल आपका आए, उसके बाद आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन देखना है, उस बेस पर नेक्स्ट लेवल के लिए जाना है। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये जोन होता है, हम कोशिश ये करते हैं कि इस जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हम एक अच्छा मूव कैप्चर कर ले। ओके, चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स क्या है। तो आपके सामने बैंक निफ्टी का प्लान, बैंक निफ्टी में हमारा क्या प्लान हो सकता है। बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है वो है आपके सामने, इंपॉर्टेंट जोन जो है बैंक निफ्टी का, वो है 35,850 से लेकर 36,085 के ऊपर वी आर एक्सपेक्टिंग 36,350 लेवल्स एंड 36,550 लेवल्स। ऑन द डाउन साइड इफ मार्केट वर्क्स बिलो 35,850, वी आर टारगेटिंग 35,470, विच इज अ डिसेंट टारगेट, आई मीन थोड़ा बड़ा टारगेट है, बट या इट इज पॉसिबल। एंड द सेकेंड लेवल ऑन द डाउन साइड इज 35,240। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी चलते हम लोग स्टॉक पिक्स ऑफ द वीक। स्टॉक पिक्स ऑफ द वीक में हमारा जो सबसे पहला स्टॉक हो जाता है वो है आपका SRF। SRF में हमारा क्या प्लान हो सकता है। SRF में देखिए बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया है SRF में। ये स्टॉक हमेशा अप ट्रेंड में रहता है, मींस ये अगर आप इसके हाई टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो अप साइड रहता है, लेकिन यहाँ हम एक रिवर्स ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिलो 8851 वी आर प्लानिंग टू सेल SRF विद स्टॉप लॉस ऑफ 8965 एंड टारगेट कुड बी अराउंड 8600। ओके, सो टारगेट विल बी अराउंड 8600।
तो ये है SRF का सेल प्लान। और अभी बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। तो हमारा जो दूसरा स्टॉक हो जाता है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में हमारे पास टू साइडेड प्लान है। अबो 306 वी आर प्लानिंग टू बाय फॉर 316 एंड बिलो 296 वी आर प्लानिंग टू सेल फॉर द टारगेट ऑफ 285। तो ये थे आपके दो स्टॉक पिक्स। और आपका जो थर्ड स्टॉक पिक हो जाता है वो है, थर्ड स्टॉक पिक जो है मैंने निकाला था वो है आपका बंधन बैंक। यस, तो बंधन बैंक में हम क्या कर सकते हैं, बंधन बैंक में वी कैन प्लान बाइंग अबाउट 306 फॉर द टारगेट ऑफ 319 लेवल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 300। तो यहाँ पे रीजन यही है कि बंधन बैंक देखिए एक अच्छे फॉल के बाद यहाँ पे आपका कंसोलिडेट होने के बाद कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेंड रिवर्सल के साइन समय दिखा सकता है, और इसलिए हम इस ट्रेड को प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है बंधन बैंक आपका स्टॉक पिक नंबर 3। तो आपका SRF, टाटा मोटर्स एंड बंधन बैंक। तो हमारे पास टाटा मोटर्स में टू साइडेड प्लान है, SRF में वी आर प्लानिंग टू सेल एंड बंधन बैंक में वी आर प्लानिंग टू बाय। तो दोस्तों ये था आपका आने वाले वीक का प्लान। तो आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड हैव अ नाइस एंड प्रॉफिटेबल वीक अहेड। थैंक यू वेरी मच।